पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, और क्यों ना मनाए। एक तरफ जहां महिलाओं के सम्मान की बात की जा रही है, महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, और क्यों ना की जाए, क्योंकि हर प्रोफेशन में महिलाओं ने अपने जुनून से, अपनी काबिलियत से, अपने जज्बे के साथ वो सब कुछ कर दिखाया है जो पहले पुरुषों से बराबरी की बात की जा रही थी। लेकिन आज महिलाओं ने आगे निकलकर पुरुषों से भी आगे निकली हैं और हर प्रोफेशन में उन्होंने अपना मादा दिखाया है। बात करते हैं आज राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी से। मैम, पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, इस दिवस पर क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि एक दिवस नहीं, हमारे लिए पूरा साल महिलाओं के लिए है। और जहाँ मैं जिस जगह बैठी हूँ वो तो महिला आयोग है, तो मुझे लगता है कि हमारा हर मिनट महिलाओं के लिए है। जहाँ तक महिला दिवस की बात है, तो अब ये समय आ गया है कि महिलाएं आगे बढ़कर लीडरशिप लें, लीड करें। उनमें वो पोटेंशियल है जो संसार को लीड कर सकती हैं। तो मुझे लगता है आने वाला समय, आने वाले दशक जो है वो महिलाओं का है। अगर मैम देखा जाए, थोड़ा सा गांव देहात की बात की जाए, तो उन महिलाओं से अगर शहरों की महिलाओं को कंपैरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं एक कदम पीछे रह जाती हैं। इसकी क्या वजह मानती हैं, क्या कारण है? अगर आप देखें कि कपड़े पहनने में या बिंदास बोलने में, तो मुझे लगता है कि आप उसके बारे में पीछे कह सकते हैं। लेकिन और जगह में मुझे नहीं लगता आज की ग्रामीण महिला भी कहीं पीछे है। आप चाहे वो ट्रैक्टर चला रही है आज, चाहे तो वो सब कुछ कर रही है, बाहर निकल के खेलों में भी पार्टिसिपेट कर रही है महिलाएं ग्रामीण, और खेती में तो 70% महिलाएं ही हैं। वो बात अलग है कि जब हम किसान की फ़ोटो दिखाते हैं तो मेल किसान की दिखाते हैं, लेकिन अगर आप गांव देहात में जाएं तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में, कृषि के हर काम में हिस्सा ले रही हैं। मुझे नहीं लगता ग्रामीण महिलाएं भी कहीं पीछे हैं आज। हम आपने तो वो दौर भी देखा है जब पहले घर में बेटी पैदा होती थी तो उसको भ्रूण हत्या ये सब काम होते थे, अब तो वो काफ़ी बदलाव हो गया है। लिटरेसी कहीं ना कहीं है ये कारण कि अभी भी महिलाएं जो हैं उनको भेजा नहीं जाता पढ़ने के लिए, किस तरीके से इसको देखते हैं? पढ़ाई की जहाँ तक बात है, हाँ, ये अगर आप 10वीं और 12वीं देखें तो महिलाएं टॉप करती नज़र आएंगी। उसके बाद में जो ड्रॉप होता है कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, हम देखते हैं कि बहुत महिलाएं आगे नहीं बढ़ती और नहीं जाती एजुकेशन के लिए। तो वो उसका कारण सिर्फ ये है कि जो हमारी सोच है, वो कहती है कि पुरुष ही, बेटा ही कमा के लाएगा, बेटा ही खिलाएगा, उसी को अच्छी एजुकेशन देनी है। कहीं ना कहीं वो सोच इसकी जिम्मेदार है और हमें वो सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर मैम सरकार की बात करें तो सरकार एक योजना लेकर आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। इस स्कीम की शुरुआत हरियाणा से हुई थी और मैं पंचकुला की रहने वाली हूँ जो हरियाणा का हिस्सा है। मैंने देखा है कि हरियाणा में ही सोच में बहुत बदलाव हुआ है। एक दौर था जहाँ पर फीमेल फिटिसाइड बहुत ज़्यादा था, वहाँ पर अब जो रेशियो है ऑलमोस्ट बराबर है। दूसरी तरफ वो जो सोच कहती थी कि बच्चियों को घर में ही रखना है, आज बहुत सारे गांव हैं, ग्रामीण इलाके हैं जहां बच्चियों के नाम मेन गेट के ऊपर लिखे गए हैं। बच्चियों को आज अगर आप देखें तो हरियाणा से ही खेल जगत में, अंतर्राष्ट्रीय खेल में कितनी बच्चियां आगे आ रही हैं। अगर आप शो बिज़नेस में देखें तो देखिए, अभी इस बार भी जो महिला, जो लड़की आगे आई है, मिस इंडिया बनी है, वो हरियाणा से है, और पिछली बार भी जो थी वो हरियाणा से है। तो सोच में कहीं ना कहीं उस एक स्कीम ने बहुत बदलाव लाया है। जब हम बात टॉप से करा जाती है और नीचे तक ट्रिकल होती है, तो मुझे लगता है वो चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, सब में सोच में बदलाव आता है। आपके इरादे कितने मजबूत हैं, आप कितने सच्चे दिल से वो काम कर रहे हैं लोगों के लिए, उस पर निर्भर करता है। हम आज के दौर में एक ये कहावत कही जा रही है कि पुरुष जब काम करता है तो घर चलाता है, महिला जब आगे निकलती हैं काम करती हैं तो पूरी दुनिया चलाती हैं, कितना इत्तेफाक रखती हैं? 100% इत्तेफाक रखती हूँ कि पुरुष जब निकलते हैं काम करते हैं,
कहीं ना कहीं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी खुद की होती है। अगर आप मजदूर को भी देख लें, आपको शाम को दिहाड़ी मिलती है, सबसे पहले वो अंडे की ठेली पे जाकर खुद अंडे खाते हैं, फिर एक दारू की बोतल खरीदते हैं और घर जाते हैं। एक महिला काम पे निकलती है मजदूरी करके, आप देखें उसके हाथ में सब्जी भाजी होगी, बच्चे के लिए कुछ ना कुछ होगा, और वो घर जाके सबसे पहले खाना बनाएगी और बच्चों को खिलाएगी, फिर खुद खाएगी। वही पुरुष ऑफिस से आएगा तो सबसे पहले कहेगा मुझे चाय पिलाओ, और वही महिला जो साथ में ऑफिस से आई है पहले चाय बनाएगी। तो ये आप देख सकते हैं इतनी छोटे से उदाहरण से कि महिलाएं अपने अलावा पहले दूसरों की सोचती हैं, और चाहे वो परिवार हो, समाज हो, देश हो या विश्व हो, जिस भी आप देश में महिलाएं, आप न्यूजीलैंड का उदाहरण ले लीजिए, न्यूजीलैंड में महिला जो है वो टॉप पोजीशन पे है, और आज देखिए वो कितनी अच्छे से। तो महिलाएं, और यहाँ पर भी जितनी महिलाएं मंत्री हैं, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री देख लीजिए जिस प्रकार से इस बार बजट आया, किस तरह से लोगों ने, तो आप महिलाएं अपने काम को बहुत सच्चाई से करती हैं, बहुत, इसका मतलब ये नहीं है पुरुष नहीं करते, पुरुष भी करते हैं, लेकिन महिलाएं उनकी अगर कंपैरिजन में देखें तो अपना काम बहुत अच्छे से करती हैं और समाज में को पहले रखती हैं अपने आगे। क्योंकि मैम आप चेयरपर्सन हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, हर दिन आपके पास कई सारे केसेस आते हैं, आज के दिन विशेषकर इस दिवस पर क्या मैसेज देना चाहती हैं? महिलाओं को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि सेल्फ रिलायंट बने, खुद को आगे रखें। आज मैंने ट्वीट भी किया है कि पहले खुद को खुश करें, खुद के लिए काम करें, खुद के डिसीजंस लें। हम लोग डिसीजंस नहीं लेती हैं, महिलाएं अपने लिए नहीं लेती हैं, अब समय आ गया है कि अपने लिए डिसीजंस लें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी आप डिसीज़न भी नहीं ले सकेंगी, ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो आज जो आने वाली लड़कियां हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए बहुत ज़रूरत है कि अपने डिसीजंस खुद लेकर आगे बढ़ें। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।